गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी हो चुका है सुबह और सुबह को हो चुका है 8 और मैं आज बहुत लेट से उठा हूँ क्योंकि आज स्कूल भी था, बट जाऊँगा स्कूल क्योंकि एक घंटा भी और बाकी है स्कूल के लिए। और देखिए बाहर वहाँ पे टेंट का काम हो रहा है, आपको अच्छी तरह से दिख नहीं रहा होगा। और वहाँ पे देखिए दो लैब्राडोर, सामने दिखाता हूँ, मेरे की आपको दिखाता हूँ सामने से। और गाइस देखिए यहाँ पे दो डॉग, एक का नाम सेजल है और एक का नाम नवाब है, देखिए। और गाइस देखिए अभी मैं बुलाया था तो आ गया है यहाँ पे, तो जा रहा है। और ये दोनों घर से भाग जाते हैं, मतलब गेट कोई भी घर पे आएगा और गेट खुला भी रहेगा ना तो पैर से गेट को मतलब ऐसे करके गेट खुलेगा और बाहर निकल जाएगा। सेम मेरा डॉग भी देखिए यहाँ पे। और गाइस मौसम भी हो रहा है पूरा पानी वाला, दिखा देखिए मौसम हो चुका है पूरा पानी वाला। और गाइस देखिए टेंट का सबसे टॉप वाला हिस्सा, और आप आगे ब्लॉक के लिए तैयार रहिएगा देखने के लिए क्योंकि आगे ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा मैं दुर्गा पूजा का पूरा टूर दूंगा यहाँ का, यहाँ पे दुर्गा पूजा कैसा होता है, कितना अच्छा सजता है और कितना भीड़ भी होता है दिखाऊंगा मैं आपको अच्छी तरह से। और गाइस देखिए मेरा डॉग कैसे यहाँ पे आके बैठ चुका है, मतलब सो चुका है, ये फिर गुस्सा हुआ क्योंकि मैं इसे सुबह लेके गया था, सुबह मतलब सुबह उठा था मैं 6 बजे तो उठा गया था, इसे घुमा कर आया था, फिर सो गया था कि घंटा घुमाया था, फिर सो गया तो 7 बजे आया था। और फिर अभी हो चुका है 8। देखिए यहाँ पे मेरा डॉग फिर से गुस्सा हो चुका है कि मुझे बाहर फिर से जाना है। इतना क्यूट है। यस और गाइस मैं एक बैड न्यूज़ सुनाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे जो मेरे पास 5 पपी थे डॉग के, तो इसी घर में रहते थे, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, यही घर था, मैं डॉग के लिए बनाया था, ये गेट है देखिए। और सारे पपी मर चुके हैं अब इस दुनिया में नहीं है, वरना बहुत मज़ा आता था वो डॉग्स, बहुत मज़ा आता था और खेलता था भी हम लोग साथ में और हम लोग भी खेलते थे उसके साथ में, और बहुत स्पीड में भी दौड़ता था वो, मतलब किसी को भी बुलाओ ना तुरंत में ही आ जाता था। बट पता नहीं क्या हुआ गाइस, तुरंत में ही मतलब लगातार एक ही दिन करके सब मरने लगा, अफसोस हो गया गाइस। अब छोड़िए ये सब बात को, अब चलते हैं स्कूल के लिए रेडी होने, जल्दी से चलते हैं स्कूल के लिए रेडी होने स्कूल के लिए। और गाइस मैं स्कूल के लिए रेडी हो चुका हूँ देखिए, और अब जा रहा हूँ स्कूल, तो स्कूल के आने के बाद मिलता हूँ आप सबसे। और गाइस मैं स्कूल से आ चुका हूँ फाइनली, और अब जा रहा हूँ खाना बनाने के लिए, तो चलिए दिखाता हूँ मैं खाने में क्या है आज। और गाइस हमारा खाना भी बन के रेडी हो चुका है, दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पे दाल चावल मतलब कद्दू का दाल है, कद्दू और दाल है और चावल है, और यहाँ पे कद्दू का सब्जी, यहाँ पे प्याज, ये हमारा आज का लंच, तो मैं जल्दी से खा कर मिलता हूँ आप सबसे। और गाइस खाना भी हो चुका है और मैं अपने डॉग को भी खाना दे दिया हूँ, देखिए खा रहा है यहाँ पे, और इसके पास मैं जाऊँ तो देखिए कैसे करेगा, देखिए गाइस कैसे कर रहा है, मतलब क्या बताऊँ, ये है ना अगर किसी भी डॉग को मतलब आप खाने समय छेड़िएगा तो ऐसे ही करेगा और बाई चांस काट भी सकता है, और ज़्यादा हाथ सामने आप ले जाएंगे तो। और खाने समय डॉग को कोई किसी भी जानवर को खाने समय भी नहीं परेशान करना चाहिए, ये हमारे दादा लोग कहते थे, मम्मी लोग कहती है, इसीलिए डॉग को नहीं छेड़ना चाहिए खाने समय। और मेरा भी खाना हो चुका है और मैं अपने डॉग को भी दे दिया खाने के लिए। और गाइस देखिए यहाँ पे जो दुर्गा पूजा होगा उसका यहाँ पे गेट हो रहा है,
यहाँ पे एक गेट है और एक गेट मतलब रोड तरफ है, मेन रोड तरफ, और यहाँ पे है मेरे घर के पास। मतलब ये इंटरिंग गेट है, मतलब इससे अंदर आएंगे और दुर्गा पूजा घूमेंगे आके अंदर में। और धूप भी आ चुका है पूरा, और वहाँ पे हमारा दुर्गा पूजा का प्यारा सा टेंट, देखिए कितना मस्त लग रहा है। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा सजने के बाद, और अच्छे से और सुंदर भी हो जाएगा और सज भी जाएगा, तो मैं आपको अच्छी तरह से टूर दूंगा दुर्गा पूजा का। और देखिए इस यहाँ पे रहर का दाल का जो पेड़ है, कितने अच्छे तरह से हो चुका है देखिए पूरा। देखिए इस कितना मस्त रहर का दाल, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो है ना गाइस, ये वाला, ये जो है, यही है रहर का दाल। मतलब ये बड़ा हो जाता है और इसमें से जो फली इसमें से जो फलियां निकलती है वही है रहर की दाल। देखिए कितने सारी है पेड़। और जब ये बड़ा बड़ा हो जाएगा और इसमें से जब दाल निकलने लगेगा, तब तो मैं आपको दिखाऊंगा पूरी अच्छी तरह से, और उसे तोड़ के भी दिखाऊंगा कैसा होता है रहर का दाल। और गाइस मौसम भी चेंज हो चुका है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए देखिए पानी वाला पूरा मौसम हो चुका है फिर से। अभी तुरंत धूप था, मतलब अभी जस्ट धूप था और तुरंत में ही मतलब बारिश वाला मौसम कर दिया है पूरा। और ये है हमारा आंवला का छोटा बड़ा पेड़। और गाइस देखिए हमारा कितना बड़ा कटहल का पेड़ है, मतलब ये जो पेड़ है इस पर कोई नहीं चढ़ता है, क्योंकि इसमें है 11,000 तार का बोल्ट, 11,000 वोल्ट वाला तार, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए देखिए दिख रहा है वो वाला, तीन टायर है। इसीलिए इस पर कोई नहीं चढ़ता है, क्योंकि करंट मार देगा तो गाइस पाउडर बन जाएगा आदमी जल के, क्योंकि ये बहुत डेंजर भी है। और ये है पोल, यही पोल से जॉइंट है तार वो वाला। और गाइस मेरे डॉग का भी खाना हो चुका है, देखिए यहाँ पर खाना खा के घूम रहा है, कहाँ जा रहा पता नहीं, धीरे 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 पीछे आ रहा है, पीछे साथ से, देखिए चल गया, देखिए चल गया। अब मैं इसके पास जाऊँगा तो और भाग जाएगा, देखिएगा। और गाइस देखिए मैं इसके पास गया तो भाग गया है, और देखिए कितना जंगल है। और यहाँ पे केला का, देखिए केला का मतलब केला का गुच्छा, देखिए वहाँ पर, देखिए वहाँ पर केला का गुच्छा। और मेरा डॉग देखिए खेल रहा है घास में, इसे घास में खेलना बहुत पसंद है, इसे देखिए घास में खेल रहा है। चलो और गाइस दोपहर भी हो चुका है और अभी टाइम हो चुका है 2, तो अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मतलब रेस्ट करने के लिए, क्योंकि स्कूल से थक के आ रहा था मैं। और देखिए मौसम भी हो चुका है पानी वाला, उधर पूरा बादल पूरा ब्लू और वाइट हो गया है, और इधर पानी वाला मौसम देखिए काला बादल आ चुका है, और बारिश भी हो सकता है, इसलिए जा रहा हूँ मैं रेस्ट करने के लिए। तो मिलता हूँ आप सबसे 4 बजे, शाम के 4 बजे, क्योंकि मेरे ग्राउंड का टाइम है खेलने का, तो मिलता हूँ आप सबसे 4 बजे। और गाइस अभी शाम का बज चुका है 4, और अब मैं जा रहा हूँ ग्राउंड, क्योंकि 4 बजे मेरे ग्राउंड का टाइम हो चुका है। आज डांस क्लास भी नहीं था, इसलिए मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए। और देखिए यहाँ पे धूप भी आ चुका है हल्का हल्का, देखिए मौसम साफ हो चुका है पूरा, देखिए। और अभी बारिश हुआ था इसलिए मौसम साफ हो चुका है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले काला बादल था, अब ब्लू और वाइट हो गया है। और मेरा डॉग भी आ चुका है अंदर से, देखिए। और अब मैं जा रहा हूँ ग्राउंड, तो आप सबसे मिलता हूँ ग्राउंड से आने के बाद। और गाइस मैं ग्राउंड से आ चुका हूँ खेल के, देखिए कितना पसीना है। और अभी ग्राउंड से आया और बारिश होने लगा तुरंत में ही, नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अंधेरा है बाहर, और पूरा बारिश होने लगा। और मेरा डॉग देखिए यहाँ पे बैठ गया है। और अब मैं जा रहा हूँ घर पूरा साफ करने के लिए, तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको जल्दी से और सांस दे देने के लिए। और गाइस फाइनली पूरा घर साफ हो चुका है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए पूरा बेड,
और फ्लोर देखिए इधर भी, और यहाँ पर मेरा डॉग, मैं इसे अभी दे देता हूँ कुछ बैठने के लिए क्योंकि ये जमीन में बैठा है और इसे ठंडा लग जाएगा इसीलिए तबीयत भी खराब हो सकता है। और देखिए पूरा अच्छे तरह से घर साफ हो चुका है, देखिए। और मैं दूध लेके आया था अभी, तो दूध गर्म करने के लिए रख दिया हूँ गैस पे, देखिए। और अब मैं जा रहा हूँ सांग दे देने के लिए, जल्दी से जल्दी सांग दे देते हैं। और गाइस पूजा भी हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। आज स्कूल गया था तो होमवर्क भी मिला था, तो अब जा रहा हूँ मैं जल्दी से पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ाई करके मिलता हूँ आप सबसे। और गाइस पढ़ाई भी हो चुका है और अब बनेगा डिनर, तो डिनर में बन चुका है रोटी, मैं जल्दी से बना लिया था रोटी पढ़ाई करके। और अब जा रहा हूँ अंडा का सब्ज़ी बनाने के लिए, तो जा रहा हूँ मार्केट क्योंकि अंडा भी लाना है, तो अंडा की सब्ज़ी के लिए, तो जल्दी से चलते हैं मार्केट। और बारिश हुआ है तो बारिश में गर्म गर्म अंडा का सब्ज़ी और रोटी बहुत मज़ा आएगा, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। जल्दी से चलते हैं बाज़ार। और गाइस मैं मार्केट के निकल चुका हूँ बाहर, देखिए। और पीछे पूरा लाइट बुता हुआ है, मतलब कोई किसी के घर में जल रहा है बस। जा रहा हूँ मार्केट, तो मिल रहा हूँ मार्केट पहुँच के। और गाइस मैं पहुँच चुका हूँ मार्केट, जल्दी से अंडा लेते हैं फिर चलता हूँ घर। और गाइस मैं फाइनली घर आ चुका हूँ अंडा लेके, देखिए यहाँ पे अंडा 15 अंडा मैंने लिया है, क्योंकि बाद के लिए भी ले लिया हूँ, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ जाए बाई चांस, कभी क्लास हो जाए तुरंत में ही, इसलिए मैं जल्दी से अंडा लेके आ गया हूँ घर पे। और कभी बाई चांस काम पड़ेगा तो मैं इसे कुछ भी बना के खा सकता हूँ घर पे ही। तो अब जल्दी से चलता हूँ इसकी अंडा की सब्जी बनाने के लिए, जल्दी से दिखाता हूँ मैं आपको कैसे बनाऊँगा मैंने सब्जी अभी। और गाइस फाइनली जो हमारा डिनर है वो बन के रेडी हो चुका है, दिखाता हूँ मैं आपको अंडा और रोटी जो बनाया था मैं, देखिए। यहाँ पर अंडा सब्जी और यहाँ पर रोटी, यहाँ प्याज, देखिए ये हमारा आज का डिनर। कमेंट कर देगा कैसे बनाया अंडा का सब्जी। तो गाइस आप सबसे खा के मिलता है डिनर। तो गाइस डिनर भी हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ वीडियो एडिट करने के लिए और सोने के लिए। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, एंड इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देगा। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।